हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2019 के लिए बेस्ट 50 करंट अफेयर्स और ये जो करंट अफेयर्स है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपका नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 मार्च को, 4 मार्च को और 5 मार्च को इन तीनों दिन जो करंट अफेयर्स का वेटेज था वो बहुत ज़्यादा था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी कुछ दिनों से जितने भी मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो ऐसा आप मान के चलिए कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आएंगे तो आपको इन जो अभी मैं 50 करवा रहा हूँ उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको कितना करंट अफेयर्स आता है इसका टेस्ट मैं अभी लूँगा इस वीडियो में। आपको मैं 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके अंदर में आपको उसका आंसर देना है। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नेम द साइंटिस्ट हु रिसीव्ड द एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर जल्दी से आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि थानू पद्मनाभन जो है इनको मिला है एमपी बिरला मेमोरियल, ठीक है, ये अवार्ड मिला है। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट द मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज 2019। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट द मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज 2019। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कौशल धर्मामर जो है इनको यही जीते हैं मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज, ठीक है। नेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिकल डायन आफ्टर विच द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ माइनर प्लानेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिकल आफ्टर विच द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ माइनर प्लानेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज इज द राइट आंसर। भावनी देवी इज एन इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन रिलेटेड टू, ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि आपसे एक पर्सन का नाम देगा और स्पोर्ट्स पर्सन का और आपसे पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो भावनी देवी जो है ये किस इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन है, ये रिलेटेड है किससे, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी कि फेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज सेड टू इशू पोस्टेज स्टाम्प बियरिंग द इमेज ऑफ महात्मा गांधी इन मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी 150th एनिवर्सरी, ठीक है, वो कौन सा नेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैरिस्कर्ट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डैश हैज रिटन अ न्यू बुक ऑन हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिल गेट्स इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019। इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 82 हो जाएगा, ठीक है। नेम द ओडिशा बिगेस्ट ट्रेड फेयर टू बिगिन ऑन नवंबर 12th एंड गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 8 डेज। आपको भी पता है स्टेट के जो फेस्टिवल होते हैं या कुछ भी होता है वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि बलि यात्रा इज द राइट आंसर। हु अमॉन्ग दीज हैज एज्यूम्ड द चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आफ्टर 2019 इलेक्शन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जोको विडोडो जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के रूप में बने हैं, जीते हैं। नेम है पृथ्वी शेखर हैज वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया रिसेंटली, ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। पृथ्वी शेखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि टेनिस इज द राइट आंसर। द न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। वेयर वाज द चेवांग रिचेन सेतु ब्रिज इनॉग्रेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख, ठीक है।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर का, तो लद्दाख का हो जाएगा आर के माथुर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ UIDAI। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है, कौन अपॉइंट हुए हैं सीईओ ऑफ UIDAI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पंकज कुमार जो बने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम। ठीक है, कौन है ऑथर इस बुक के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रशांत किदांबी जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द थीम ऑफ हुनर हाट एग्जीबिशन फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। व्हाट विल बी द थीम ऑफ हुनर हाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। Who was appointed as the first woman caretaker prime minister of Belgium? Who was appointed as the first woman caretaker prime minister of Belgium? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सोफी विल्म्स जो है ये हो जाएगा caretaker prime minister of Belgium. Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh come into existence. द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख विल बी हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, जी सी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के बारे में। हु अमॉन्ग दीज हैव बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन बने हैं चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कुलदीप सिंह दंतवालिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप आरोग्य मंथन इन न्यू दिल्ली टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है, किन्होंने इनॉग्रेट किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी, और इसका आंसर नरेंद्र मोदी हुआ तो इसका मतलब कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट 2019 फोकसिंग ऑन द गवर्नेंस ऑफ ड्रोन वॉज हेल्ड इन ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट 2019। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। विच अमॉन्ग दीज रेलवे स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सब अर्बन रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अंधेरी। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च द ऑडियो गाइड फैसिलिटी एप्लीकेशन ऑडियो ओडिगोस फॉर हाउ मेनी साइट्स ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 12, और ये मुझे लगता है कि ये कल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल और फीमेल टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस। कौन वो पहला शख्स है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, हरमप्रीत कौर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गंगा आमंत्रण अभियान अनाउंस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज ए डैश प्रोग्राम। द गंगा आमंत्रण अभियान अनाउंस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज ए डैश प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राफ्टिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म सेट अप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर ओरल हेल्थ इंफॉर्मेशन। Name the digital platform set up by the Ministry of Health and Family Welfare for Oral Health Information. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ई दंत सेवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who has written the book Becoming a Guided Journal for Discovering Your Voice? Who has written the book? कौन सा बुक है? Becoming a Guided Journal for Discovering Your Voice. इस बुक के राइटर है मिशेल ओबामा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है।
सिमोन बिल्स इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स स्पोर्ट्स, ये भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन के, सिमोन बिल्स इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स और स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि जिम्नास्टिक्स। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल डायल 100 सर्विस फॉर पुलिस फैसिलिटी टू 112 इमरजेंसी नंबर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो इस क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल डायल 100 सर्विसेज फॉर पुलिस फैसिलिटी टू 112 इमरजेंसी नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंटोनियो कोस्टा हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एंटोनियो कोस्टा हैज बीन रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी यानी कि पोर्तुगल। गोवा गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल डायल 100 सर्विसेज फॉर पुलिस फैसिलिटी टू विच ऑफ दिस इमरजेंसी नंबर। किस इमरजेंसी नंबर के साथ गोवा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी नंबर को चेंज किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 112। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th नेशनल कल्चरल फेस्टिवल अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत कंपेनिंग इज टू बी हेल्ड एट द इंडियन स्टेट ऑफ। 10th नेशनल कल्चरल फेस्टिवल अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत कंपेनिंग इज टू बी हेल्ड एट द इंडियन स्टेट ऑफ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, वेयर वॉज द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन 2019। वेयर वॉज द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन 2019। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए यानी कि ब्राजील इज द राइट आंसर। कायस सायद इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कायस सायद इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ट्यूनिशिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 102 यानी कि 102वां रैंक है इसका। ठीक है, इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर कॉन्फ्रेंस। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर कॉन्फ्रेंस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि लखनऊ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 11th ब्रिक्स समिट दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ब्रासिलिया। ठीक है, क्या है थीम 11th ब्रिक्स समिट का जो कि अभी ब्रासिलिया में होने वाला था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेटिव फ्यूचर फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश होस्टेड द 4-day लॉन्ग इंटरनेशनल लावी फेयर 2019। विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 4-day लॉन्ग इंटरनेशनल लावी फेयर फेस्टिवल जो है ये यहाँ पर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि रामपुर। ठीक है, रामपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फेस्टिवल बलि यात्रा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ द रिच मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराध्या गर्ग इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। आराध्या गर्ग जो है ये चेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल द लार्जेस्ट फोल्क फेस्टिवल ऑफ एशिया इज सेलिब्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल लार्जेस्ट फोल्क फेस्टिवल ऑफ एशिया इज सेलिब्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का थीम क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। द 7th day लॉन्ग 8th नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। 7th day लॉन्ग 8th नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि ओडिशा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेयर विल द 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस बी हेल्ड, ठीक है, वेयर विल द 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस बी हेल्ड, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि लखनऊ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who is said to become the first chief of defense staff? Who is said to become the first chief of defense staff? General Bipin Rawat. ठीक है, General Bipin Rawat is the right answer. Who will host the 2023 Men's Hockey World Cup? 2023 Men's Hockey World Cup कौन host करेगा? ठीक है, तो ये करने वाला है ओडिशा, ठीक है, भारत में ओडिशा में होगा, ठीक है। Which city hosted the Global Ayurveda Summit 2019? Which city hosted the Global Ayurveda Summit 2019? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोची। Next है, find the district which is not the part of Union Territory Ladakh. ये भी important question है। Find the district which is not the part of New Union Territory of Ladakh. और इस question का right answer बी हो जाएगा, यानी कि पूंछ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका HDFC बैंक क्रॉसेस 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, ये आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि अब जो है HDFC ये तीसरा ऐसा मतलब इंडिया का है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर के ऊपर है। इसके पहले रिलायंस है और TCS है, ठीक है। सेकंड देखिए कि इंडिया ऐसा पहला देश है, फर्स्ट कंट्री टू मेक द इंटायर प्रोसेस ऑफ हज का वो डिजिटल करवा दिया गया है, ठीक है, जितने भी हज यात्रा सब डिजिटलाइज हो गया आपका। थर्ड है आपका कि वेंकैया नायडू लॉन्च द भारतीय पोषण एंथम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। विच क्रिकेट स्टेडियम कूड होस्ट IPL 2020 फाइनल इन अहमदाबाद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट हो जाएगा नागालैंड के जो गवर्नर है उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, ठीक है, RN रवि, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, राजीव कुमार, और डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट BSF तो VK जौहरी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो गया हो तो उसको कॉमेंट में थोड़ा सा आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।